राम जी के भक्तों में, कृष्ण जी के भक्तों में कंपटीशन भी बड़ा भारी रहता है, हल्का पतरा नहीं, खूब भारी कंपटीशन होता है रस को बढ़ाने के लिए। वैसा कोई कंपटीशन नहीं होता दुनियादारी वाला, ईर्ष्या वाला, प्रेम को बढ़ाने के लिए, रस को बढ़ाने के लिए। एक घटना बताई जाती है, वैसे तो कई घटना है बाबा तुलसीदास जी की और सूरदास जी की, पर एक विशेष जो घटना बताई जाती है कि सूरदास जी तो कट्टर कृष्ण भक्त है, बाल कृष्ण लाल, लाल जी के सामने उनको कोई दिखाई नहीं देता, और बाबा तुलसी को अपने राम, कण कण में राम नजर आते, उनको हर जगह अपने राम जी दिखते हैं। तो एक बार दोनों में ऐसे ही जब मिलते थे दोनों, सूरदास जी थोड़े सूधे से थे नेक, तो जब मिलते तो तुलसी बाबा कहते, अरे सूर कहाँ या चोर के पीछे पड़े हो या टेढ़ी टांग वाले के पीछे पड़े हो, आओ हमारे राम जी की शरण में आ जाओ। और सूरदास बाबा कहते, भैया क्या हुआ, चोर हुआ तो टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़े होने से क्या, टेढ़े में भी आनंद है। तो दोनों में जब मिलते ऐसी बात चलती, दोनों में तर्क चलता। तो एक दिन तुलसीदास जी बोले, भैया सूर हम दोनों आपस में कहते ही रहते हैं राम जी बड़े, तुम कहते हो कन्हैया जी बड़े हमारे, एक दिन बैठ के दोनों हिसाब करी क्यों नहीं लेते कि राम जी बड़े कि तुम्हारे वाले बड़े, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बाबा सूरदास बोले, कैसे हिसाब कैसे लगाओगे आप? बोले हिसाब ऐसे लगाएंगे, हम एक तराजू लेंगे, उस तराजू के एक पल्ले में तुम अपने आराध्य को लेके बैठ जाना, एक पल्ले में हम अपने इष्ट को लेके बैठ जाएंगे, जिसका पल्ला भारी वो भगवान, उसका आराध्य श्रेष्ठ। और मालूम है शर्त ये है कि जिसका पल्ला भारी होगा, हल्के वाले को अपना इष्ट छोड़ करके उस भारी वाले इष्ट की शरण पकड़ लेनी है, फिर उसके बाद तुम जीते तो हम राम जी को छोड़ के हम तुम्हारे कन्हैया को बजेंगे, हमारे राम जी जीते तो फिर इसका भजन मत करना। सूरदास जी ने अपने भगवान के बल पर हाँ कर दी, ठीक है। तुलसी बाबा ने कल का समय दे दिया, आ जाना सुबह 8 बजे। चले गए सूरदास जी, पूरी रात अपने गोपाल जी को पट्टी पढ़ा रहे हैं, देखो कल तुम्हारा एग्जाम है, देखो फेल मत करवा देना, नाक कट जाएगी, ध्यान रखना, इज्जत का सवाल है। पूरी रात सिखाया पढ़ाया ठाकुर जी को, सुबह बड़े गर्व में कि हाँ हमारी बात तो कभी ये टालते ही नहीं। सुल्ले पकड़ के गोपाल जी को पहुँच गए, पहुँचे तो वहाँ तुलसी बाबा तैयार थे, तराजू ले आ गए, बोले हाँ आ गए, तैयार हो 100%? बोले हाँ जी तैयार है। ठीक है तो लो अपने आराध्य का नाम, बैठ जाओ तराजू में। तो बाबा सूरदास ने अपने ठाकुर जी का जय घोष किया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बैठ गए लड्डू गोपाल जी गोदी में लेके, बैठ गए तराजू। फिर बाबा तुलसी को, अब आपका नंबर, आप बैठो। तो बाबा तुलसी ने भी अपने आराध्य का नाम लिया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, और आकर के बैठ गए वो भी तराजू में। अब जैसे सूरदास जी के बैठने के बाद बाबा तुलसी बैठे, उनके बैठते ही तुलसी बाबा का पल्ला तो हो गया नीचे, और सूरदास जी तो कहीं ऊपर जाके लटक गए। मतलब धनुष वाले जीत गए। अब बाबा तुलसीदास ने हंस के सूर को कहा, देखा हम कहते थे ना इस चोर के पीछे मत पड़ो, क्या मिला इनके पीछे पड़ के, दे दिया ना धोखा, बोलो अब आपके वाले बड़े कि हमारे वाले बड़े। अब सूरदास जी बेचारे क्या बोले, अब परिणाम तो सामने है, कुछ बोल भी नहीं सकते। बोले हाँ जी मान गए आपके को, मुंह लटका के बेचारे सूरदास आ गए घर कुटिया पे। पर आज ठाकुर जी से एकदम नाराज है, देख भी नहीं रहे उनकी तरफ कि तुम बैठे रहो।
अब भगवान को अपने भक्त से ज्यादा देर नाराजगी भाती नहीं है। किससे बात करें? भक्ति बात नहीं करेगा तो कौन से बतराएंगे, कौन से बात करेंगे? तो ठाकुर जी बार बार सुर को छेड़ रहे हैं, बाबा ओ बाबा सुर, अरे ने हम ते बात कर ले, ने हमारी ओर देख ले। जैसे ठाकुर जी बोले मुंह फेर के बैठ जाते, हम ना देख रहे। अरे पर भयो का हमको जे तो बता, हमने करो का हमारी गलती कहा है? सूरदास जी बोले हाँ तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है, वो तो बाबा सूर तुलसीदास जी की बात ही हमें समझ नहीं आई इतने दिन से, आज समझ आ गई। तुम हो धोखेबाजी, सबको धोखा देते हो, आज समझ आई हमें। हमने पूरी रात तुमको सिखाया पढ़ाया कि ने हमारी इज्जत रख लेना, ने लाज रख ले, क्या किया तुमने? कुछ जोर पड़ जाता तुमसे, ने अपना वजन बढ़ा लेते तो कुछ हो जाता, कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा। तृणाव्रत को मारना था तब तो तुम खूब वजनदार हो गए, पूतना जब गोद में लेके गई तब तो तुम इतने वजनदार हो गए, आज जब बारी थी परीक्षा की तो इतने हल्के फुल्के बन गए, तराजू ही ऊपर चला गया। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ यहां से। तो ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के बाबा सूर का मुखमंडल हाथ से पकड़ा और बोले अरे बाबा नाराज नहीं हो, गलती नहीं हमारी, गलती तुम्हारी है। देखो चलो ये बताओ, दो ज्यादा होता है कि तीन ज्यादा होता है? बाबा सूर बोले अच्छा हमारी परीक्षा ले रहे हो, अरे पढ़े लिखे नहीं पर मूर्ख थोड़ी है, इतना तो हम भी जानते, तीन ज्यादा होता दो की जगह। अच्छा तो ये बताओ जब आप तराजू में बैठे थे तो आपने क्या बोला था? बोले हमने बोला बाल कृष्ण लाल कीजिए, तो एक तो हो गए आप, एक हो गए हम, वो भी बाल कृष्ण लाल, छोटे वाले, छोटे से। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सीता जी, राम जी और बाबा तुलसी, तीन उधर दो इधर, बताओ कौन भारी होगा? अब तो महाराज सूरदास जी खुश हो गए, ये तो हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो तुरंत गोपाल जी को अपने झोला में डार चल पड़े तुलसी बाबा के पास। अरे ओ बाबा सुनो, बाबा गड़बड़ हो गई, गलत नाप तोल हुआ, दोबारा तोलेंगे। तुलसीदास जी समझ गए, तुलसी बाबा बोले ये जिसने तुझको सिखा पढ़ा के भेजा है ना उसको जाके बोल दे, हिसाब एक बार होता है, निर्णय एक बार होता, अब नहीं होगा, अब सो हो गया सो हो गया, हमारे ही राम जी बड़े। अब सूरदास जी को लगा कि अब तो ये मानने वाले नहीं, सो मुंह लटका के वापस जाने लगे। तुलसी बाबा ने देख लिया कि बड़े उदास हो रहे हैं, तो तुलसी ने हंसते हुए कहा और गले लगाया सूरदास को, अरे सूर राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। ये तो बाबा जी महात्माओं का आनंद है, रस बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, राम जी वाले कृष्ण जी वाले, बाकी जानते दोनों ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक लीला विग्रह है, रस विग्रह है। तो इसमें भेद करना भी अपराध है, भगवान कृष्ण भगवान राम और भगवान भोलेनाथ, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद करने से अपराध लगता है।